यहाँ पर प्रस्तुत सभी आदरणीय महानुभाव को मेरा सादर प्रणाम। एक सवाल पूछना चाहूंगा आप सबसे, सुबह उठकर सबसे पहले आप क्या करते हैं? क्या आप अपने मोबाइल को चेक करते हैं या अपने घर की खिड़कियां खोलते हैं? क्या मैं बताऊं, आप सब अपने मोबाइल को ही चेक करते हैं। सही कहा ना मैंने? हम एक ऐसी पीढ़ी है जो जानते हैं कि हवा के झोंके से हमें ठंडक मिलेगी और फिर भी हम फैन चला लेते हैं। हम जानते हैं सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलेगा, फिर भी लाइट चालू कर लेते हैं। 2017 के अंतिम चरण में और इस मशीन युग में मैं विनम्र वासुनी आपका स्वागत करता हूँ और बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं के विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, पिछली बार कब आपने अपना मोबाइल या टीवी को दूर हटाकर बाहर जाने का फैसला किया था? मैं जानता हूँ जब आपका इंटरनेट केबल या लाइट बंद थी। सही कहा ना मैंने? जब ये तीन चीजें नहीं होती तभी हम खिड़की के बाहर देखते हैं। हम बच्चे अच्छा खाते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, हम मस्त रहते हैं, पर हमारे अंदर एक विटामिन की बहुत कमी है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं मैं किस विटामिन की बात कर रहा हूँ? विटामिन पी। विटामिन पी का मतलब है विटामिन प्रकृति। हमें इस विटामिन की बहुत जरूरत है पर हमें यह मिलता नहीं। प्रकृति शब्द सुनते ही हमारे शरीर और मन शांति और ठंडक का अनुभव होता है, पर फिर भी हम इसका किताबी मतलब तो जानते हैं पर इसका असली मूल्य ये हमें नहीं पता। अब आते हैं कि बच्चे प्रकृति से दूर क्यों होते जा रहे हैं, इसके मैं आपको तीन कारण देना चाहूँगा। सबसे पहला कारण, बढ़ती इमारतों के साथ प्रकृति का विनाश। हर जगह लोग गांव से भी शहर आते जा रहे हैं, शहर में रहने की जगह नहीं होती, प्रकृति को काट कर अपना घर बना लेते हैं। मैंने खुद देखा है, 3 से 4 लोगों का परिवार भी एक बहुत बड़े बंगले में रह रहा है। इतनी जगह में कितने लोग रह सकते हैं, वो छोड़िए इतनी जगह में कितने पेड़ पौधे उगा सकते हैं। दूसरा कारण, बढ़ती पढ़ाई और दबाव। बच्चे घर पर बैठकर अपना मनोरंजन खुद ही कर लेते हैं, बाहर जाकर किसी की दो बातें सुनना कौन चाहेगा आखिर। तीसरा और आखिरी कारण, समय की कमी। हम बच्चे सुबह उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, वापस आते हैं, अपना काम करके सो जाते हैं। जो समय मिलता भी है उसे भी हम फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब में व्यर्थ कर देते हैं। बाहर जाएं भी तो अपने दोस्तों और मोबाइल में ही लगे रहते हैं। एक जमाना था जब बच्चे सुबह से शाम आने तक बाहर खेलते रहते थे, पर आजकल ऐसा नहीं है। पहले माँ बाप सोचते थे इन्हें दरवाजे के अंदर कैसे रखा जाए, पर अब ऐसा नहीं है। अब वे सोचते हैं कि इन्हें दरवाजे के बाहर कैसे निकाला जाए। हम बच्चे दिन भर अपने PS4 पर गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर पर यूट्यूब और व्हाट्सएप पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं और टीवी पर कार्टून देखते रहते हैं, पर बाहर जाकर खेलता कोई नहीं। इसी के साथ मैं यही कहकर अंत करना चाहूँगा कि हम बच्चे ना चाहते हुए भी प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और प्रकृति से दूर होकर आलसी होते जा रहे हैं। प्रकृति के बिना जीवन असंभव है। इसी के साथ मैं विनम्र वासवानी आप सब लोगों से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।